वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने दो एक्सेल फाइल्स को मर्ज करने के लिए 3 महीने का समय मांगा था, जो एक 18 साल का कॉलेज इंटर्न भी एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला से 5 मिनट में कर सकता है। पार्टीज को एक्चुअली पता होता है कि उनको पैसा किसने डोनेट किया है। एक कंपनी है हब पावर लिमिटेड। सोशल मीडिया में कई लोगों ने कहा कि ये तो एक पाकिस्तानी कंपनी है। ये एलिगेशंस बीजेपी पर और भी सीरियस है, क्योंकि कई एग्जांपल्स हैं जहां उन्होंने सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज किया है इन कंपनीज पर प्रेशर डालने के लिए। मेगा इंजीनियरिंग ने 11 अप्रैल 2023 को बॉन्ड्स खरीदे बीजेपी के लिए और 1 महीने बाद उनको 14,000 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिला महाराष्ट्र में। अब ये मत समझना कि और पार्टी दूध की धुली है, बीजेपी अकेला ये नहीं कर रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा ने मानो तहलका मचा दिया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। The Election Commission of India has uploaded the data of electoral bonds. मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रही है। I think you based yourself on huge assumptions. 1260 कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को। सबसे बड़ी डोनर थी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1300 करोड़ रुपए डोनेट करे। बट हु ओन्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड? इस कंपनी के फाउंडर थे सैंटियागो मार्टिन, जो 30 साल पहले एक लेबरर थे म्यांमार में, और आज उनको लॉटरी किंग बुलाया जाता है। इस डेटा से इतनी सीक्रेट्स बाहर निकल कर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, और कुछ सीक्रेट्स तो मानो एक कॉमेडी मूवी का सीन हो। जैसे बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने ऐलान किया कि 10 अप्रैल 2019 को एक आदमी उनके ऑफिस में आया सील्ड एनवेलप के साथ और चले गया। उन्होंने जब ये एनवेलप खोला तो उनको एक इलेक्टोरल बॉन्ड मिला 10 करोड़ रुपए का, जो उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। जेडीयू का कोई सीक्रेट दानवीर है जो जेडीयू के पटना वाले ऑफिस में 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़ गया। कहानी खत्म। पब्लिक को और जानकारी देने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है कि बीजेपी को कैसे एक मोटा हिस्सा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, 50%, और कैसे पोटेंशियली गवर्नमेंट ने कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज किया कंपनीज को फोर्स करने के लिए कि वो उनको डोनेट करें। जैसे शरद चंद्र रेड्डी एक डायरेक्टर है औरबिंदो फार्मा के, जिनको दिल्ली के लिकर स्कैम में अरेस्ट किया गया था 10th November 2022 को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी वाज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। 5 दिन बाद उनकी कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट करे। अगले साल ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बोला कि आप शरद को माफ कर दो, वो अब अप्रूवर बन गए इस केस में। अप्रूवर वो आदमी होता है जो वॉलंटरली एविडेंस देता है किसी भी केस में। जब अमित शाह से इस डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी है तो पावर में कई स्टेट्स में, पर इतना पैसा उनको नहीं मिला, पैसा गया है कांग्रेस और टीएमसी के हाथ। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा, लिंकिंग इट विद ईडी आई थिंक इज Absolutely sitting and having a cup of tea in the lounge and having a little merry chat. Do you know for each one of the ED in this context as to when the payment was made? Was it before or was it after? Maybe it was before. And even after that, the ED chose to go and visit them. अगर आप ये interviews देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे अमित शाह और निर्मला सीतारमन ने दोनों ने ही डांट दिया उस बंदे को जिसने ये question पूछा। I think you based yourself on huge assumptions. जिसकी वजह से उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। पर इस वीडियो में ये नहीं होगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इश्यू नहीं है, बल्कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसका एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन पॉलिटिक्स पर। ये पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का मुद्दा है जो डिसाइड करता है कौन इलेक्शन जीतता है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतने क्रिमिनल्स क्यों हैं और करप्शन हमारे देश से क्यों नहीं जाता। इस इशू का इम्पैक्ट 2024 के जनरल इलेक्शंस पर भी पड़ेगा। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो मानते कि बीजेपी करप्ट है, और उन लोगों के लिए जो मानते कि ये सरकार बिल्कुल साफ है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के दौरान आप पेशेंट रहो। ये मुद्दा बहुत सीरियस और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हमारे देश में पैसा और पॉलिटिक्स के बीच में कितना गहरा रिलेशनशिप है और क्यों इस हमाम में सब नंगे हैं। पैसा और पॉलिटिक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है हमारे देश में, उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फेज है 1947 से लेकर 1986 तक, जब इंदिरा गांधी की वजह से करप्शन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा हो गया। दूसरी फेज है 1990 से लेकर 2003 तक, जब कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। तीसरी फेज है 2003 से 2017 तक, जब एनडीए और यूपीए सरकार ने कई लॉज तो इंट्रोड्यूस करे,
पर वो लॉस खोखले निकले। और चौथी फेज है 2017 से लेकर अब तक, जब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी ने कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे ब्लैक मनी हटाने के लिए, जिसका अंजाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हर फेज को समझेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए कि ब्लैक मनी हमारी पॉलिटिक्स में आया कैसे। 1951 में कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पास करी, जिसने एक लिमिट लगाई कि एक कैंडिडेट इलेक्शंस में कितने पैसे खर्च कर सकता है। ये लिमिट्स आज भी हैं। जैसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो बड़ी स्टेट में ये लिमिट है 95 लाख की और छोटी स्टेट्स में लिमिट है 75 लाख। तो यानी कि एक कैंडिडेट इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता अपनी लोकसभा कैंपेनिंग में। क्या इसका पालन हो रहा है? नहीं, पर इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इनिशियली कांग्रेस पार्टी अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट करती थी, पर इंडिया में इलेक्शंस इतने एक्सपेंसिव होते गए कि मेंबर से नहीं वो कंपनी से पैसे मांगने लग गई। कांग्रेस पार्टी की उस समय मौज थी लाइसेंस राज सिस्टम की वजह से। अब उस जमाने में सरकार कंट्रोल करती थी कि एक कंपनी कितना मैन्युफैक्चर कर सकती है और क्या इंपोर्ट कर सकती है। जैसे बजाज कंपनी के फाउंडर राहुल बजाज ने एक एग्जांपल दिया था कि उस जमाने में स्कूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको 2 साल वेट करना पड़ा सरकार के लाइसेंस के लिए। तो जो कंपनी कांग्रेस को पैसे देने के लिए राजी थी, उनके और कांग्रेस के बीच में एक अच्छी सेटिंग हो गई। कंपनी टैक्सेस नहीं देती थी और कांग्रेस उस कंपनी के पैसे की बजाय उनको लाइसेंसेस देती थी। इस सिस्टम में एक चेंज आया 1967 के जनरल इलेक्शंस के बाद, जहां कांग्रेस पार्टी एक मेजॉरिटी तो जीत गई थी पर उनकी सीट्स गिर गई थी। 5 साल में 361 से लेकर उनकी सीट्स हो गई थी 283 तक, क्योंकि उनको एक प्रो बिजनेस स्वतंत्रता पार्टी और हिंदू नेशनलिस्ट जनसंघ पार्टी से कॉम्पिटिशन आ रहा था। जनसंघ वही पार्टी है जिससे इवेंचुअली बीजेपी बनी। अब क्योंकि ये दोनों पार्टी प्रो बिजनेस थी, इस वजह से कंपनीज इन पार्टीज को डोनेशन कर रही थी, तो इंदिरा गांधी ने कॉर्पोरेट डोनेशंस को बैन ही कर दिया। अब कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट ही नहीं कर सकती थी। अब इस समय कई यूरोपियन देशों में एक नया सिस्टम क्रिएट किया जा रहा था, जहां सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती थी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए, पर इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो बैन करने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई साफ रास्ता नहीं बचा जिससे वो पैसे कलेक्ट कर पाए। बस काले धन से ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज काम चला सकती थी, पर क्योंकि कांग्रेस पावर में थी, ज्यादा पैसा ऑब्वियसली उनको ही मिलेगा। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ब्लैक मनी ने बहुत अच्छी खासी जगह बना ली। पहले समझते कि ब्लैक मनी होता क्या है। ब्लैक मनी बेसिकली अनअकाउंटेड पैसा होता है जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। क्योंकि सरकार को नहीं पता, इसलिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जगह और बढ़ गई 1970s में, जब इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और कई ऑयल और पेट्रोलियम कंपनीज को भी नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया बिजनेस पर। तो ऐसा पैसा कलेक्ट करना और आसान हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश भी करी तो इंदिरा गांधी ने ये करने नहीं दिया। जैसे उस समय एक लिमिट थी कैंडिडेट पर कि वो कितना पैसा खर्च कर सकते अपनी कैंपेनिंग में, पर ऐसी लिमिट किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, ऑफिशियली बोलते थे कि मैंने तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, मेरी पॉलिटिकल पार्टी इतना पैसा खर्च कर रही है। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजाक नहीं चलेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी भी खर्च कर रही है वो कैंडिडेट के अकाउंट पर ही जाएगा। पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ क्रिएट कर दिया जिससे पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा काउंट नहीं होगा। तो बेसिकली इस फेज में कोई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए नहीं। तो पहले फेज में कांग्रेस ने एक करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और अगली फेज में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने इसको चेंज करने की कोशिश करी। वन सेकेंड, इस वीडियो के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, जो आप एडिटिंग और एनिमेशन में देख सकते हो, और ये हुआ है मेरे एडिटर आदित्य की वजह से, जिसने इस पर बहुत मेहनत करी है। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मेरे एडिटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आजकल इतना कंटेंट बन रहा है कि इससे आपको अच्छे वीडियो एडिटर्स चाहिए होते हैं, और अब वीडियो एडिटिंग तो एक लेजिटिमेट करियर ऑप्शन है लोगों के लिए। जैसे मेरी खुद की टीम में 4 फुल टाइम एडिटर्स हैं, और ये एक ऐसा करियर है जहाँ आपको डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होते, बल्कि बस स्किल्स चाहिए होते हैं। जब मैं भी एडिटर्स हायर करता हूँ, मैं ये नहीं देखता वो कौन से कॉलेज गए, बल्कि मैं देखता हूँ कि उनका पोर्टफोलियो कैसा है। और अगर आप एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा AVTV का एडिटिंग कोर्स। आदित्य भी उसी कोर्स में था। उन्होंने 1700 से ज्यादा एडिटर्स को ट्रेन किया है, जिनको निखिल कामत, अली अब्दाल, तन्मय भट्ट और अनअकैडमी, जोहो और जरोदा जैसी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला है। उनका बहुत तगड़ा रिक्रूटर नेटवर्क है, और रिसेंटली कोहोर्ट्स में उनकी प्लेसमेंट रेट 80% से ज्यादा रही है। हाँ, 80% से ज्यादा, यानी कि हर 5 में से 4 लोग जिन्होंने कोर्स लिया और प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया, उनको प्लेसमेंट मिली।
एवीटीवी के 3 महीने के कोर्स के बाद जो एवरेज एनुअल सैलरी मिली है एडिटर्स को वो है 4 लाख की, जो कई फ्रीलांसर से बहुत ज्यादा है। अगर आप बिल्कुल नए भी हो ना एडिटिंग में तो भी आप कंसिडर कर सकते हो इस कोर्स को, क्योंकि ऐसे कई लोगों को प्लेसमेंट मिली है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनकी मास्टर क्लास को कंसिडर करो, जो बस मेरे व्यूअर्स के लिए है। अगर आपको कोर्स करना भी नहीं है तो मास्टर क्लास अटेंड कर लो, शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल जाए। और अगर थोड़े सीरियस निकले तो हो सकता है आप मेरे साथ काम भी कर पाओ, क्योंकि हम एक और एडिटर की तलाश में हैं अभी। अब आते हैं वीडियो पर वापस। अब राजीव गांधी प्रो बिजनेस थे, वो रेगुलेशंस को हटाना चाहते थे और इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहते थे। 1985 में उन्होंने डिसीजन लिया कि इंदिरा गांधी का जो बैन था कंपनीज की डोनेशन पर वो हटेगा और कंपनीज अपनी प्रॉफिट का 5% तक हिस्सा पार्टीज को डोनेट कर सकती हैं। अब राजीव गांधी ने बैन तो हटा दिया, पर उन्होंने कंपनीज को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया, जिस वजह से कंपनीज ने इस नए लॉ को यूज नहीं किया पार्टीज को डोनेट करने के लिए। जब मैं डोनेट की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लीगली डोनेट। डोनेशन तो चल रही थी पर वो सारा काला धन था। अभी टैक्स बेनिफिट काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपकी एक कंपनी है जिसका 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो आपको इस 100 करोड़ के प्रॉफिट पर सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आपने 10 करोड़ रुपए एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिए लीगली, तो आपको टैक्स 100 करोड़ पर नहीं बल्कि बस 90 करोड़ पर देना पड़ेगा, तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स बच गया। अब ये बेनिफिट था नहीं कंपनीज के पास, तो उन्होंने कहा कि लीगली पैसे देने की जरूरत ही क्या है, इससे अच्छा तो हम काला पैसा यूज कर लें और अपना टैक्स बचा लें। फिर एक और प्रॉब्लम थी इस सिस्टम में। देखो, इंडिया के पहले 30 सालों में इलेक्शन बस कांग्रेस ही जीत रही थी, पर 1980s के बाद इलेक्शन और कंपेटिटिव हो गए, तो कई कंपनीज को डर था कि अगर उन्होंने डोनेट कांग्रेस को कर दिया या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कर दिया, तो अगर सरकार किसी और पार्टी की बन गई तो वो तो उनको परेशानी करती रहेंगी। कोई कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अंडर द टेबल ही डोनेट करते रहे। अब इस बढ़ते पॉलिटिकल कंपटीशन के साथ एक और मेजर चेंज आया हमारी राजनीति में, क्रिमिनल्स की एंट्री हुई। चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी या फिर राजा भैया, जिनको कई लोग बाहुबली भी बुलाते हैं। अब जब कांग्रेस की मोनोपोली थी हमारी राजनीति में, तो उनका एक बहुत अच्छा तालमेल था क्रिमिनल्स के साथ। क्रिमिनल्स उनको मसल पावर देते इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन के बाद कांग्रेस उनको प्रोटेक्शन देती। उस जमाने में इलेक्शंस के दौरान अनकॉमन नहीं था एक बूथ को कैप्चर करना, और इस बूथ कैप्चरिंग में ही कई क्रिमिनल्स कांग्रेस की मदद करते थे अपनी मसल पावर के साथ। पर जब पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ने लग गया, इन क्रिमिनल्स को रियलाइज हुआ कि अब जरूरी नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हमारी प्रोटेक्शन का क्या हुआ, इससे अच्छा है क्यों ना हम ही मैदान में उतर जाए। क्योंकि क्रिमिनल्स को दिखाई दे गया कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, और दोनों उनके पास है, मसल पावर और मनी पावर। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडिया में एक इलेक्शन जीतने के लिए आपको भारी पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे रीसेंट डेटा को ही देख लेते हैं हम, 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए एस्टिमेटेड है कि प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर की डिमांड 40% तक बढ़ जाएगी। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने एक्यूजेशन डाली थी कि उनको हेलीकॉप्टर ही नहीं मिल रहे अपने लीडर्स के लिए, क्योंकि बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर ही बुक कर दिए। अगर आपको जानना हो कि इलेक्शन में कितने पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो कैंपेनिंग के दौरान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कार रेंटल कंपनी से बात करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी गाड़ियां पॉलिटिशियंस ने बुक कर दी होंगी। एक कैंडिडेट को कई चीजों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, गाड़ियां रेंट करने के लिए रैली पर, अपनी टीम को खाना और डेली के पैसे देने के लिए, टेंट लगवाने के लिए, पोस्टर्स प्रिंट करने के लिए, पर सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है वोट खरीदने के लिए। ये एक ओपन सीक्रेट है। इनफैक्ट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने ऑफिशियल्स को ट्रेन करता है ना, तो वो 40 चीज़ों की उनको लिस्ट दिखाता है जो कैंडिडेट्स करते हैं वोटर्स को पैसे देने के लिए। मैं आपको ये लिस्ट पढ़ के दिखाता हूँ। सुबह के अखबारों में कैश एनवेलप्स जो वोटर के दरवाजे में डाले जाते हैं, सुबह के दूध पाउच में एक कैश एनवेलप, वो कैश जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है क्रिकेट या फिर फुटबॉल मैच के लिए, या फिर मैरिज फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना जहां वो कैंडिडेट पूरे पैसे देता है उस शादी के लिए। इसलिए हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए ये जानकर जब हम ऐसी हेडलाइंस देखते हैं कि इंडिया के इलेक्शंस अब दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंडिडेट्स चाहती हैं जो अपने कैंपेन को खुद फाइनेंस कर सके। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के एमएलए ने तो ये तक कहा था कि उनकी पार्टी की टिकट आपको 2 से 10 करोड़ रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि कई क्रिमिनल्स के पास कैश की कमी नहीं होती। इसलिए 1990s के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे लोगों को टिकट दी। फिर 1991 में इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और कई फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आई,
जिसकी वजह से कई इंडियन कंपनीज के मन में डर बैठ गया कि इन कंपनीज के पास तो इतना पैसा है, वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करने लग जाएंगी। इसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने गवर्नमेंट को कहा कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज को सब्सिडी देनी चाहिए और कंपनी की डोनेशन हटा देनी चाहिए। पर सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं और काला धन का खेल चलता रहा हमारे देश में। तो 1990s में एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था काले धन और क्रिमिनल्स का हमारे सिस्टम में। बस सुप्रीम कोर्ट ही था जो सिस्टम को हिलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एनुअल टैक्स रिटर्न शेयर करनी होगी, जो पार्टीज को 1979 से ही स्टार्ट करनी थी, पर किसी पार्टी ने ऐसा किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी पैसा पॉलिटिकल पार्टी खर्च करेगी वो कैंडिडेट के शेयर में भी माना जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने एज यूजुअल एक लेक्चर दिया, ऑन द ग्राउंड कुछ बदलाव हुआ नहीं। 18 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में पहला रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। पहले 2000 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पब्लिक करने होंगे। 3 साल बाद 2003 में NDA गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया जहां उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंपनी डोनेट कर दी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो ये डोनेशन 100% टैक्स डिडक्टेबल होगी अगर वो चेक का पैसा यूज़ करते हैं, यानी कि वो वाइट मनी यूज़ करते हैं, ब्लैक मनी नहीं। अब ये पहली बार था कि एक कंपनी को बेनिफिट मिल रहा था अगर वो अपना साफ पैसा यूज़ करेंगे डोनेशन के लिए। इसे सरकार का कहना था कि इसकी वजह से पॉलिटिक्स में काला धन चले जाएगा। पर ये सारे लॉज ऊपर ऊपर तो अच्छे थे पर नीचे से सारे खोखले थे। जैसे NDA सरकार ने कहा कि अब पॉलिटिकल डोनेशन जो 20,000 से ज़्यादा रुपए की होती हैं वो कैश में नहीं हो सकती, या तो वो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू होंगी या फिर चेक के थ्रू होंगी, और ऐसी डोनेशंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करनी होगी और फिर इलेक्शन कमीशन इन डोनेशंस को पब्लिक करेगा। पर लोग क्या करते कि वो किसी भी डोनेशन को बांट देते। तो अगर आपको 1,00,000 की डोनेशन करनी है, आप 20,000 की 5 डोनेशन करोगे ताकि आपका नाम कभी भी पब्लिकली अवेलेबल ना हो। फिर NDA सरकार ने एक दूसरा लॉ पास किया था कि पॉलिटिकल पार्टी का भी खर्चा कैंडिडेट के अकाउंट में इंक्लूडेड होगा। पर NDA सरकार ने कहा कि अगर पार्टी कोई भी प्रोग्राम करवाती है जो बस एक कैंडिडेट के लिए नहीं है तो उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये मानो एक ऐसा लॉ हो जो कह रहा हो कि करप्शन इलीगल है पर अगर आपने टेबल के नीचे से पैसा दे दिया तो वो ठीक है। तो फर्क क्या हुआ? UPA सरकार की भी ऐसी हालत थी। 2005 में एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि सारी पार्टीज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, पर उन्होंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर को ये रिटर्न ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज चाहे तो कुछ भी पब्लिश करवा सकती थी। 2013 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को RTI के दायरे में आना होगा क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है, हम RTI में नहीं आ सकते, हम तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई सेंस है इस बात की? फिर उसी साल 2013 में UPA सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम, जिसको कई मीडिया हाउसेस ने कवर नहीं किया। इस स्कीम के जरिए कई कंपनीज एक साथ जुड़ सकती है एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाने के लिए। इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करने की। हमारे देश में आज 18 ऐसे इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं। जो भी कंपनीज हैं वो अपना पैसा इस ट्रस्ट को देती है पर उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहती है। ट्रस्ट खुद डिसीजन लेता है कि जो पूरी डोनेशन है वो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच बांटनी है। हमारे लॉ के हिसाब से हर ट्रस्ट को डिक्लेयर करना होता है कि उनको कितना पैसा मिला और कितना पैसा उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पर उनको कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी को लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया किस पॉलिटिकल पार्टी को। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने के लिए यूज करे जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कम हो गई है। पर ये सिस्टम थोड़ी देर में हिलने वाला था और ये हुआ था 8 नवंबर 2016 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी करेंसी नोट्स में एक सैटेलाइट चिप डाल दी। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रधानमंत्री मोदी डीमोनेटाइजेशन को लेकर आए ये कहकर कि अब इकोनॉमी से काला धन जाएगा। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इससे ताकत मिलने वाली है। पर उसी सरकार ने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा
उस पर टैक्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ऑब्वियसली इस बात से हल्ला हुआ और अगले साल 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने दो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। पहला रिफॉर्म था कि अगर कोई भी 2000 से ज्यादा की रकम को डोनेट करता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो कैश में नहीं हो सकता, वो चेक से ही होगा, जिसका मतलब था कि ब्लैक मनी या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। अरुण जेटली का आर्ग्यूमेंट था कि 2000 के ज्यादा अमाउंट में क्योंकि कैश नहीं अब यूज हो सकता, इसलिए कंपनीज अब वाइट मनी ही यूज कर पाएंगी पॉलिटिक्स में। उन्होंने ये भी कहा कि अब पैसे को डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी का टोटल अमाउंट देखा जाएगा, इसलिए ये नहीं है कि कोई किसी डोनेशन को 2000 रुपए में तोड़ दे। दूसरी चीज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है? मान लो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में और बोलूंगा कि मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड दो। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कोई भी बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के मल्टीपल में ही खरीदा जा सकता है। इसलिए अगर मैं किसी पार्टी को 5,001 रुपए देना चाहता हूँ शगुन के लिए, तो वो नहीं दे सकता मैं। दूसरी चीज है कि मेरा KYC होगा, यानी कि मेरा आधार कार्ड और दूसरी डिटेल्स मुझसे मांगी जाएंगी। जब ये सब हो गया तो मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाएगा और मैं उसका ओनर हो जाऊंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक पेपर होता है जो ऐसा दिखता है, और टेक्निकल टर्म्स में मैं उस बॉन्ड का बेयरर हो गया। सरकार के रूल्स के हिसाब से मुझे बस 15 दिन मिलेंगे जिसके अंदर मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड देना होगा। फिर वो पार्टी ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेगी और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगी इसको इनकैश करने के लिए, उनको वो पैसा मिल जाएगा। टेक्निकली ये सारे बॉन्ड्स अनोनिमस होने थे, तो जब आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड देखोगे भी उधर कोई नाम नहीं लिखा होगा कि किस आदमी ने ये बॉन्ड खरीदा है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बॉन्ड को यूज करेगी, टेक्निकली उनको कभी पता नहीं चलेगा कि ये बॉन्ड आया कहाँ से है। पर सुप्रीम कोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमें पता चला है कि पार्टीज को एक्चुअली पता होता है कि उनको पैसा किसने डोनेट किया है। जैसे DMK ने खुद बताया कि उनको 509 करोड़ रुपए मिले थे सैंटियागो मार्टिन की कंपनी से 2018 और 2019 के बीच। DMK को ये पता कैसे चला? मोस्ट लाइकली कंपनी से कोई आया तो होगा ना इलेक्टोरल बॉन्ड देने उनको, और कंपनी ने बताया होगा कि भाई हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग तुम कर लो। तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो डोनर की आइडेंटिटी पता थी, बस हमारी पब्लिक को ये आइडेंटिटी नहीं पता थी। तो ट्रांसपेरेंसी इस स्कीम ने और कम कर दी। जब अरुण जेटली ने स्कीम इंट्रोड्यूस करी, उन्होंने कहा कि इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा है सीक्रेसी का। उन्होंने कहा कि कई बार किसी डोनर को दूसरी पार्टीज परेशान करती हैं कि तुमने इस पार्टी को दे दिया, मुझे नहीं दिया, इन बॉन्ड से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि एक अच्छा सिस्टम है ब्लैक मनी को हटाने की, क्योंकि मेरा KYC हो रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में मैं ब्रीफ केस में कैश तो भर के नहीं लेके जा सकता, तो ब्लैक मनी कहाँ से यूज होएगा। अब उन्होंने दूसरे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे पहले एक लिमिट थी कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का बस 7.5% हिस्सा ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी। उन्होंने वो लिमिट हटा दी, तो अब कोई भी कंपनी कितना भी पैसा डोनेट कर सकती है। पर हम इस डिस्कशन के लिए इन दो आर्ग्यूमेंट्स पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सीक्रेसी और ब्लैक मनी। सीक्रेसी को समझते हैं आम आदमी पार्टी के एग्जाम्पल से। आम आदमी पार्टी हमारी पॉलिटिक्स में आई धूमधाम से। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के अंतर्गत वे मुकेश अंबानी और नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के खिलाफ ऐसे खुलासे करते हैं कि सारा देश हिल उठता है। उनका कहना था वो देश से करप्शन हटा देंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई पार्टी करे या फिर ना करे, हम अपनी वेबसाइट पर अपने सारे डोनर्स का नाम और अमाउंट लिखेंगे। पर 2018 में उन्होंने अपना मुंह बदल दिया। अन्ना हजारे वंस अरविंद केजरीवाल्स मेंटर हैज नाउ स्ट्रांगली अटैक्ड हिम एंड हिज पार्टी फॉर रिमूविंग द नेम्स ऑफ दोज हु डोनेट टू द आप फ्रॉम देयर वेबसाइट। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट या फिर सेंट्रल इलेक्शन के पहले हमारे डोनर्स हमें कॉल करते हैं कि दूसरी पार्टीज उनको परेशान करी कि आप हमें भी डोनेट करो, इसलिए अब हम ये नहीं करेंगे। अरुण जेटली का यही आर्ग्यूमेंट था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर क्या ये बॉन्ड्स एक्चुअली एक सीक्रेट थे, या फिर सीक्रेट ये जनरल पब्लिक ले थे पर BJP सरकार को सब चीज की जानकारी थी? कुछ ही देर में मैं आपको सच बताऊंगा। 2023 की रिपोर्ट ने दिखाया कि 2016 से 2021 के बीच कांग्रेस का 61% पैसा, BJP का 52% पैसा और TMC का 93% पैसा इन इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आया। तो ये जरूर है कि अब पॉलिटिकल डोनेशन मोस्टली इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रही थी,
पर क्या इसका मतलब है कि हमारी राजनीति से ब्लैक मनी हट गया, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। सरकार के अंदर ही कई लोगों ने इस स्कीम को क्रिटिसाइज किया, पर सरकार ने उनकी सुनी नहीं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म आया फाइनेंस मिनिस्ट्री से। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र गर्ग। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उनका मानना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से अब बीजेपी का ही फायदा होगा, पर इवेंचुअली वो बात को मान गए। पर दो और इंस्टीट्यूशंस ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और RBI। जनवरी 2017 को इस स्कीम के लॉन्च होने से एक साल पहले RBI ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर लिखा था कि उनकी दो प्रॉब्लम थे स्कीम से। पहली प्रॉब्लम है कि ये स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करी जा सकती है। RBI ने कहा कि क्योंकि KYC हो रहा है, इस वजह से हमें ये तो पता चल जाएगा कि कौन ये पैसा डोनेट कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये पैसा आया कहाँ से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कि आप एक कंपनी हो जो एक इलीगल धंधा कर रही है, जैसे एक फेक बेटिंग ऐप। अब यूजुअली जब किसी भी कंपनी का एक इलीगल बिजनेस होता है, वो उसके साइड में एक लीगल बिजनेस भी खोल लेते हैं अपनी मदद करने के लिए। तो इमेजिन करो कि कंपनी ए लीगल कंपनी है और कंपनी बी इलीगल कंपनी है। कंपनी बी का जो इलीगल पैसा है वो लीगल करवाना चाहता है कंपनी ए की मदद से। तो कंपनी बी अपने इलीगल फंड्स कंपनी ए को देती है और सरकार को बोल देती है कि ये मानो एक लोन है। कंपनी ए ये पैसा लेती है और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। क्योंकि कंपनी ए बिल्कुल लीगल है तो उसको KYC में कोई दिक्कत नहीं होती। जब कंपनी ए के पास इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, वो पार्टी के पास जाती है और पार्टी को दे देती है, तो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि सारा पैसा आया था कंपनी बी से जो इलीगल थी, पर रिकॉर्ड्स में कहीं भी आपको कंपनी बी का नाम नहीं मिलेगा। इससे कंपनी बी को कई फायदे मिलेंगे। एक तो जो उनका इलीगल पैसा था वो अब सिस्टम में आ गया और कोई उनसे सवाल करेगा नहीं। दूसरी चीज है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे कि आप हमारे इलीगल बिजनेस को चलाने रहने दो, हम आपको थोड़ा थोड़ा कैश देते रहेंगे। दोनों का फायदा है। RBI का डर था कि ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है इस स्कीम की वजह से। RBI का दूसरा डर था कि स्कीम के जरिए कई कंपनीज अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती हैं, पर इस छुपाई आइडेंटिटी से भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर पाएंगी। जैसे हमारे रीसेंट एग्जांपल में कंपनी बी का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इसलिए सितंबर 2017 को RBI ने गवर्नमेंट को वापस एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये बॉन्ड्स इश्यू नहीं करने चाहिए, हम करेंगे ताकि हम इस चीज की जांच कर सके ढंग से एक बॉन्ड इशू करने से पहले। पर गवर्नमेंट ने ये चीज होने नहीं दी। RBI के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सवाल उठाए स्कीम पर। 26 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी उल्टा कम हो जाएगी हमारी पॉलिटिक्स में। लोगों को पता ही नहीं चलेगा पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहां से आ रही है। उन्होंने एग्जैक्ट शब्द जो यूज किया वो था कि ये स्टेप एक बैकवर्ड स्टेप है ट्रांसपेरेंसी के लिए। जहां पॉलिटिकल पार्टी सीक्रेसी चाहती थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए कि वो बताए कि उन्होंने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। पर RBI और इलेक्शन कमीशन की बातें मानी नहीं गई। कई ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया, जैसे कांग्रेस ने। पर बाद में इन सभी पार्टीज ने पैसा कमाया इस स्कीम की वजह से। बस तीन कम्युनिस्ट पार्टीज CPI, CPIM और CPIML ने कहा कि वो इस स्कीम के बाहर ही रहेंगी और कोई भी पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और 2 जनवरी 2018 को ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई। अब जब कई लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात से डिस्ट्रैक्टेड थे, मोदी सरकार ने मार्च 2018 में एक और लॉ पास किया बिना किसी डिबेट के। ये लॉ था पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग के बारे में। 2014 में इंडिया की दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज BJP और कांग्रेस को दिल्ली के कोर्ट ने गिल्टी साबित किया था। कोर्ट ने कहा कि 2004 और 2012 के बीच इन दोनों पार्टीज ने उन कंपनी से पैसा लिया जिसका ओनर था लंदन का माइनिंग ग्रुप वेदांता रिसोर्सेज। तो पता है BJP गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया, यानी कि वो लॉ में गए और उन्होंने लॉ की डेट बदल दी, 2010 से 1976 कर दी, जिससे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा उनको। पर पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो फंडिंग ले रहे ऐसी कंपनी से जिनकी इंडियन सब्सिडरीज है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पार्लियामेंट के 30 मिनट में लोकसभा ने फाइनेंस बिल और 218 अमेंडमेंट्स पास करे बिना किसी डिबेट के। जब सरकार ये चल रही थी तो दूसरे लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम का विरोध करने लगे। ये थी दो NGOs, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी और जिन्होंने बहुत काम किया है इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के लिए, और दूसरी NGO थी कॉमन कॉज। इसके अलावा एक पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने भी इन दो NGOs का साथ दिया सुप्रीम कोर्ट में स्कीम को अपोज करने के लिए।
उन्होंने कहा कि ये स्कीम नॉन ट्रांसपेरेंट है और इससे उल्टा करप्शन बढ़ेगा हमारी पॉलिटिक्स में। कोर्ट ने इस पर कई सुनवाई करी और 12 अप्रैल 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि वो एक टेम्पररी ऑर्डर पास कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहें तो वो अपनी डोनर लिस्ट पब्लिक कर सकती हैं। अब कौन सी पार्टीज ने कितना डेटा शेयर किया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मेन चीज थी कि जरूरी नहीं था कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ ये डेटा शेयर करे और ये थोड़ी देर में रेलेवेंट होने वाला है। इस इंटरिम ऑर्डर के बाद इन दोनों एनजीओज और सीपीआईएम ने कई बार सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया एक अर्जेंट हियरिंग के लिए, नवंबर 2019 हो, अक्टूबर 2020 हो या फिर मार्च 2021। ये लोग इस स्कीम पर एक रोक की मांग कर रहे थे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। 16 अक्टूबर 2023 को ये पेटिशनर्स वापस सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि उनकी हियरिंग अर्जेंट है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं। इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मिस्टर चंद्रचूड, जिन्होंने कहा कि ये इश्यू एक्चुअली सीरियस है और 5 जजेस की बेंच इस इशू को सुनेगी। 15 दिन बाद 31 अक्टूबर 2023 से ये बेंच इस मुद्दे के आर्गुमेंट सुनने लग गई। फाइनली उन्होंने अपना डिसीजन दिया 15 फरवरी 2024 को, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमसली कहा कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये स्कीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट था कि हर सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है जानना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की कहां से फंडिंग आएगी, क्योंकि उसी हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसको वोट करना चाहिए, और फ्रीडम टू वोट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि उनको सारा डेटा शेयर करना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिससे एक वोटर ढंग से वोट कर सके लोकसभा इलेक्शन से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI को ये सारी डिटेल्स 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और फिर इलेक्शन कमीशन पूरे देश के लिए ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देगा। SBI ने कहा कि ये तो बहुत कम टाइम है, हमें 3 और महीने दो। बेसिकली SBI कह रहा था कि जून में यानी कि इलेक्शन के बाद हम सारा डेटा आपसे शेयर कर देंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम आपको 6 दिन और यानी कि 12 मार्च 2024 तक टाइम दे रहे हैं, आपको ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि 2 दिन बाद यानी कि 14 मार्च 2024 तक आपको ये डेटा पब्लिक करना होगा ताकि पूरे देश को पता चल जाए कि किसको कितना पैसा मिला है। 14 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा रिलीज किया था उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स थे। पहला डॉक्यूमेंट था डोनर लिस्ट के बारे में, या डोनर का नाम और कितना पैसा उन्होंने डोनेट किया वो मेंशन था। दूसरे डॉक्यूमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का नाम था, पॉलिटिकल पार्टी का नाम और कितना पैसा उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। पर इस डेटा में 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में पर डेटा था 2019 से 24 का, तो 1 साल का डेटा 18 टू 19 का मिसिंग था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि दोनों डेटा को मैच करने की चाबी मिसिंग थी। ये चाबी है UAN, यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि भाई ये कोड भी आप शेयर करो ताकि हम दोनों डॉक्यूमेंट्स मैच कर पाए। पर 6 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि कोई तरीका है ही नहीं जिससे आप डोनर को एक पॉलिटिकल पार्टी से मैच कर पाओ। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि कितना एक डोनर ने एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया है वो बस डोनर को ही पता होगा। इन बॉन्ड्स के यूनिक कोड के बारे में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करी थी जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने 2018 में, जब उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे 1,000 रुपये ईच के। उन्होंने ये बॉन्ड्स लिए और इनको इन्वेस्टिगेट करवाया दिल्ली के एक फोरेंसिक लैब में यूवी लाइट के अंडर, और उनको पता चला कि हर बॉन्ड का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। उनका दावा था कि इस यूनिक कोड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोनर और पॉलिटिकल पार्टी को मैच कर सकता है। SBI ने पूनम का रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि ये नंबर बस एक सिक्योरिटी फीचर है और कोई तरीका नहीं है जिससे डोनर को एक पार्टी से मैच किया जाए। अब SBI ने इस रिप्लाई में हो सकता है कि एक सच बोला और एक झूठ। सच ये हो सकता है कि कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सीक्रेट कोड्स होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं जो यूवी लाइट के अंदर ही दिखे जा सकते हैं। ये चीजें करी जाती है ताकि उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक फर्जी कॉपी ना बनाई जाए। तो जिस यूनिक कोड की पूनम अग्रवाल बात कर रही थी हो सकता है कि वो एक सिक्योरिटी कोड हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यूनिक कोड है ही नहीं इन बॉन्ड्स में। कुछ दिन पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जब ये बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, उन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी पार्टी और डोनर को मैच कर ही नहीं पाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों ने कहा था कि कभी भी डोनर और पार्टी को मैच नहीं किया जा सकता, पर ऐसा हुआ।
वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने दो एक्सेल फाइल्स को मर्ज करने के लिए 3 महीने का समय मांगा था, जो एक 18 साल का कॉलेज इंटर्न भी एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला से 5 मिनट में कर सकता है, उन्होंने कुछ ही दिन में ये दोनों फाइल्स को मर्ज करके दे दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने SBI के चेयरपर्सन को एक वार्निंग दी। और सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 2018-19 के डेटा की भी मांग करी, तो अब हमारे पास 18-19 का डेटा भी है और 19-24 का फुल्ली मर्ज डेटा भी है। बस एक प्रॉब्लम है, हमारे पास फुल 2018-19 का डेटा नहीं है। हमें ये तो पता है कि हर पार्टी को कितना पैसा मिला, पर हर पार्टी को किसने कितना पैसा दिया वो हमें नहीं पता, क्योंकि 18 से 19 के लिए कुछ ही पार्टीज ने वॉलंटियर किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपना फुल डेटा देंगी, पर तृणमूल कांग्रेस, BJP और कांग्रेस ने करने से मना कर दिया था। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2019 में जनरल इलेक्शन होते हैं, तो हमें ये पता है कि BJP और कांग्रेस को कितना पैसा मिला, पर हमें ये नहीं पता कि उन इलेक्शन से पहले उनको किसने पैसा दिया। दूसरी पार्टीज ने डेटा वॉलंटियर कर दिया है, जैसे DMK ने बताया कि उनको भारी पैसा मिला सैंटियागो मार्टिन से, आम आदमी पार्टी ने बताया कि उनको पैसा मिला बजाज ग्रुप से, और JDS को मिला पैसा इंफोसिस से। पर 2019-24 का हमारे पास फुल डेटा है, और अब इस डेटा के बारे में बात करते हैं। SBI के डेटा ने दिखाया कि अप्रैल 2019 और फरवरी 2024 के बीच 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए थे, जिसमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम किए गए पॉलिटिकल पार्टीज से। जो बचे हुए 187 बॉन्ड्स हैं जिनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने रिडीम नहीं किया, उनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर दिया गया। 2019 और 2024 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज को 12,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला इन बॉन्ड से। अगर हम 2018 का भी डेटा जोड़ दें तो ये नंबर हो जाता है 16,000 करोड़। इस पूरे 16,000 करोड़ में फर्स्ट प्लेस में है BJP, जिनको करीब 8,500 करोड़ मिले, यानी कि करीब 50%। कांग्रेस को सेकंड प्लेस में 1950 करोड़ मिले और तृणमूल कांग्रेस को 1707 करोड़। डोनर्स में सबसे ज्यादा पैसा दिया सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने, जिन्होंने 1300 करोड़ रुपए दिए 2019 और 2024 के बीच। ऐसी कंपनीज ने ना ऑलमोस्ट सारी पार्टीज को पैसा दिया ताकि वो हर जगह से प्रोटेक्टेड रहे। उन्होंने 552 करोड़ रुपए दिए तृणमूल कांग्रेस को, 503 करोड़ DMK को, 154 करोड़ YSR कांग्रेस को, 100 करोड़ BJP को और 50 करोड़ कई सिक्किम की रीजनल पार्टीज को। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो तेलुगु बिजनेसमैन कृष्णा रेड्डी की कंपनी है, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया। सैंटियागो मार्टिन के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दिया 2019 और 24 के बीच। 60% पैसा यानी कि 584 करोड़ गया BJP के पास, 195 करोड़ BRS और 85 करोड़ DMK। DMK को सेम कंपनी ने 105 करोड़ रुपए भी दिए थे 2018 से 19 के पीरियड में। और इसी कंपनी की एक सब्सिडरी ने 110 करोड़ दिए कांग्रेस को और 80 करोड़ दिए BJP को। कई लोग सरप्राइज है कि लिस्ट में रिलायंस का नाम नहीं है। वो नाम हमें दिखा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी से, जिनके डायरेक्टर हैं तपस मिश्रा, जो रिलायंस की दूसरी कंपनीज में भी एक डायरेक्टर है। और क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 3rd highest इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे सारी कंपनीज में। 400 करोड़ में से उन्होंने 375 करोड़ BJP को दिए और 25 करोड़ शिवसेना को। शॉकिंग बात यह है कि कई कंपनीज ने अपने नेट प्रॉफिट से बहुत ज्यादा अमाउंट डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 और 22 के बीच था 215 करोड़ रुपए, पर उस समय उन्होंने 1300 करोड़ से ज्यादा पैसे डोनेट करे। क्विक सप्लाई चेन का नेट प्रॉफिट था 109 करोड़ रुपए, पर उन्होंने 410 करोड़ रुपए डोनेट करे। मदन लाल लिमिटेड का 4 साल में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, पर उन्होंने 185 करोड़ डोनेट करे। तो इन कंपनीज के पास ये पैसा आया कहां से? ब्लैक मनी, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, कि कैसे स्कीम को यूज किया गया पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, और स्कीम के 3 डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हमारी डेमोक्रेसी में। पहला है BJP की फाइनेंशियल डोमिनेशन, दूसरा है क्रोनी कैपिटलिज्म का यूज, और तीसरा है हमारी पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी। इन तीनों चीजों को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले बात करते हैं BJP की फाइनेंशियल डोमिनेशन के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के हिसाब से करीब 50% पैसा BJP के हाथ में गया। पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई अकेला तरीका नहीं है किसी पार्टी का पैसा कलेक्ट करने का। अगर हम सारी पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे तो BJP को 58% पैसा मिला है। जहां BJP को 12,000 करोड़ रुपए मिले 2018 से, नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, इसको 2,500 करोड़ रुपए मिले। इस डेटा को देखकर लोग 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। BJP के सपोर्टर्स कहेंगे कि क्योंकि BJP इतने इलेक्शंस जीतती है, इस वजह से वो इतनी अमीर है। BJP के ओपोनेंट्स कहेंगे कि क्योंकि BJP इतनी अमीर है, इस वजह से वो इतने इलेक्शन जीतती है। अब जो सच है
वो इन दोनों के बीच है, इसके बारे में बात करते हैं। अमित शाह ने आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर आप डेटा देखोगे तो बीजेपी के जो पैसा मिला है वो इतना ड्रामेटिक नहीं है। दिसंबर 2023 तक बीजेपी की सरकार सेंटर और 12 स्टेट्स में थी जहां 57% पॉपुलेशन है, और बीजेपी को टोटल पॉलिटिकल फाइनेंसिंग की कितनी फंडिंग मिली, 58%। तो ये दोनों बहुत प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ प्रूव हो जाती है जब हम कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे। अब इससे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हर दिन नहीं बिकते। ये नहीं है कि आप किसी रैंडम डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में गए और आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद पाओगे, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स विंडोज में बिकती हैं, ट्रांचेज में। 2018 से अभी 30 विंडोज आई हैं जहां ये बॉन्ड्स बिके हैं। हम उन विंडोज पर नजर डालेंगे जो स्टेट इलेक्शन से पहले हुई, ये देखने के लिए कि जिस पार्टी को पैसा मिलता है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। 2021 के बंगाल इलेक्शन के पहले टीएमसी को सबसे ज्यादा पैसे मिले, करीब 250 करोड़ रुपए, और टीएमसी वो इलेक्शन जीत गई। जबकि बीजेपी को 80 करोड़ मिले, कांग्रेस को 50 करोड़ रुपए जरूर मिले पर वो कोई सीटें जीती नहीं। अक्टूबर 2019 में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होने थे, इस समय बीजेपी को 185 करोड़ रुपए मिले और कांग्रेस को बस 1.8 करोड़ रुपए। जहां बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई, कांग्रेस ने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई महाराष्ट्र और झारखंड में। तो इससे एक बात साफ हो गई कि इलेक्शन से पहले जो विंडो है उसमें किस पार्टी को कितना पैसा मिला है उससे जरूरी नहीं है कि इलेक्शन डिसाइड हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि कई पार्टीज को पैसा मिला है, डीएमके और टीएमसी को भारी पैसा मिला है, बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल एडवांटेज मिलती है इलेक्शंस में। ये एडवांटेज और बड़ी हो जाती है क्योंकि वो अपने रूल्स अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको शॉक कर देगा। जब मई 2018 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बीजेपी को अलाउ कर दिया था कि वो 10 करोड़ रुपए के एक्सपायर्ड बॉन्ड्स एक्सेप्ट कर सकती हैं। 3rd और 5th May 2018 को 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। बीजेपी के मेंबर्स इन बॉन्ड्स को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्रांच के पास गए। ब्रांच ने कहा कि भाई ये बॉन्ड्स तो एक्सपायर्ड है, पर उन्होंने एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से चेक किया। इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेप्यूटी डायरेक्टर विजय कुमार ने कहा कि देखो बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने का 15 दिन का टाइम होता है जिसमें नॉन वर्किंग डेज भी इंक्लूडेड होते हैं। वो 15 दिन चले गए तो ये बॉन्ड्स अब एक्सपायर हो गए और एक्सपायर्ड बॉन्ड्स को पीएम रिलीफ फंड में जाना चाहिए। पर 20 करोड़ के पैसे पीएम रिलीफ फंड में नहीं भेजे गए, 10 करोड़ के बीजेपी ने इनकैश कर लिए और 10 करोड़ पीएम रिलीफ फंड में गया। ऐसी एडवांटेज सरकार को पहले भी मिली है। जनवरी 2018 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो रूल ये था कि 4 विंडोज होंगी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, जब बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि वो एक वन टाइम स्पेशल विंडो लॉन्च करे कर्नाटका इलेक्शन से पहले, जहां बीजेपी को 335 करोड़ मिले और कांग्रेस को 180 करोड़। बीजेपी के लिए सिचुएशन और खराब हो जाती है जब ध्यान आप दूसरी चीजों पर देते हो, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां कई कंपनीज ने पैसा दिया बीजेपी को और पता चला कि उनको सरकार से दूसरे फेवर्स भी मिले। मैं आपको कई एग्जांपल्स देता हूँ। वंडर सिमेंट ने 6 नवंबर 2023 को 10 करोड़ के बॉन्ड दिए बीजेपी को और 2 महीने बाद ही कंपनी ने गुजरात में एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया। दिसंबर 2019 को लखनऊ की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एप्को इंफ्राटेक ने कॉन्ट्रैक्ट जीता कश्मीर वैली में एक टनल बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट के 1 महीने बाद ही उन्होंने बीजेपी को 10 करोड़ रुपए दिए इन बॉन्ड्स में। मेगा इंजीनियरिंग ने 11th अप्रैल 2023 को बॉन्ड्स खरीदे बीजेपी के लिए और 1 महीने बाद उनको 14,000 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिला महाराष्ट्र में। अब ये मत समझना कि और पार्टी दूध की धुली है, बीजेपी अकेला ये नहीं कर रही थी। केरला की गारमेंट कंपनी काइटेक्स ग्रुप ने 15 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जुलाई 2023 को और तेलंगाना की रूलिंग पार्टी बीआरएस को ये बॉन्ड दिए। उसी महीने उन्होंने अनाउंस किया कि वो तेलंगाना में 1000 करोड़ की फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं। मेरी स्टैटिस्टिक्स क्लास के पहले लेक्चर में मुझे सिखाया गया था कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, जो सच है। जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो 100% प्रूफ नहीं है कि वो पार्टीज करप्ट हैं, पर क्योंकि इतने सारे एग्जांपल हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ पब्लिक पर नहीं है बल्कि इन पार्टीज और सरकारों पर है। उनको प्रूफ करना होगा कि वो करप्ट है या फिर नहीं। और ये एलिगेशंस बीजेपी पर और भी सीरियस हैं क्योंकि कई एग्जांपल्स हैं जहां उन्होंने सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को यूज किया है इन कंपनीज पर प्रेशर डालने के लिए। कुछ ही दिन पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया एक लिकर स्कैम में, जिसमें एक अक्यूज हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, औरबिंदो फार्मा के एक डायरेक्टर। उनको 10 नवंबर 2022 में अरेस्ट किया था, पर उनकी अरेस्ट के 5 दिन बाद ही इस कंपनी ने 5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को, जिसके बाद वो अप्रूवर बन गए इस केस में। कुछ दिन बाद इस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए दिए फिर बीजेपी को। सितंबर 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा,
और डीएलएफ ग्रुप के खिलाफ एक केस दर्ज किया था करप्शन का। पर 5 साल बाद अप्रैल 2023 में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को कहा कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। पता चला कि डीएलएफ ग्रुप ने 2019 और 2022 के बीच 170 करोड़ रुपए दिए थे बीजेपी को। अरे अभी तो और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से सुनते रहो। जनवरी 2019 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी थी अलाना ग्रुप पर, एक मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी। कुछ महीने बाद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन से पहले इस कंपनी ने शिवसेना को 5 करोड़ रुपए दिए और बीजेपी को 1 करोड़ रुपए। हाँ, ये सब कोरिलेशन है, पर बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है या फिर गवर्नमेंट पर? जब अरुण जेटली ने ये स्कीम अनाउंस करी थी तो उन्होंने कहा था इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है सीक्रेसी। तो अगर आप लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि इतनी सीक्रेसी से पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज्यादा पैसा मिल गया, तो गलती आप में है। वो तो अपनी इंटेंशन से बिल्कुल क्लियर थे, आप ही नहीं समझ पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। अरुण जेटली का दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारी पॉलिटिक्स से ब्लैक मनी हटाना, पर क्या ये स्कीम वो कर पाई? डीएमके ने स्कीम को व्हाइट कॉलर करप्शन बुलाया, और कई बड़े क्वेश्चनेबल एग्जांपल्स हैं एसबीआई के डेटा से। जैसे सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से 6 गुना ज्यादा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया, तो एक कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है? इसी के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सवाल पूछे कि भाई कंपनीज को मिल क्या रहा है जब वो नेट प्रॉफिट से इतना ज्यादा पैसा डोनेट करेंगी एक पॉलिटिकल पार्टी को। फिर डोनर की लिस्ट में हमें ऐसी भी कंपनीज देखने को मिली जो पूरी तरह फ्रॉड है। एक कंपनी है हब पावर लिमिटेड। सोशल मीडिया में कई लोगों ने कहा कि ये तो एक पाकिस्तानी कंपनी है, क्योंकि उधर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी का भी सेम नाम है। पर ये कंपनी वो कंपनी नहीं है, बल्कि न्यूज लॉन्ड्री की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि दिल्ली में ऐसी नाम की एक और कंपनी है। पर दिल्ली के जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा कि ये कंपनी फेक है। डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा कि इस कंपनी को बनाया गया था फ्रॉड कमिट करने के लिए, और उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो फिर इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे खरीदे? इसी के बारे में वार्निंग दी थी आरबीआई ने 2017 में कि कई लोग अपने मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में इस स्कीम को यूज कर सकते हैं। तो क्या स्कीम के साथ वही हो रहा है? ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज किया गया पब्लिक से छुपाने के लिए, कि पैसा कैसे दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने तो अपने एंकर को डांट दिया। अब आप कहोगे मोहक की सत्ता में रहने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने पांडव्स को कितनी अनएथिकल चीजें करने के लिए बोला था। अगर आपका ये रिस्पॉन्स है तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपकी पार्टी भी दूसरी पार्टीज की तरह ही है। आपको समझने की जरूरत है कि पार्टी और सरकार अलग अलग चीजें हैं। करप्शन की वजह से सरकार का रेवेन्यू कम होता है और पार्टी की इनकम बढ़ती है। हर करप्शन केस की वजह से पब्लिक की जो सर्विसेज हैं वो और बद से बदतर हो जाती हैं। कुछ ही दिन पहले बिहार में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ और किसी की जान चली गई। अगस्त 2023 में मिजोरम में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ और 20 से ज्यादा लोग मारे गए। लोग कॉमेडी रील बना रहे कि कैसे बीएमसी ने गोखले ब्रिज बनाया। 4 साल पहले उसका एक हिस्सा गिरा, इन्होंने कहा नहीं जी हम पूरा फिर से बनाएंगे, तोड़ के बनाया। 2.5 साल बनाने के बाद उनको पता चला जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। पर ऐसी चीजें कब होती हैं? जब पॉलिटिशियंस के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो एक अच्छी कंपनी ढूंढे कोई ब्रिज बनाने के लिए। ऑपोजिशन से भी सवाल पूछो, पर ये मत भूलना कि किस पार्टी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। अमित शाह बोल रहे हैं कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कैंसिल कर दिया गया तो पॉलिटिकल पार्टीज वापस से ब्लैक मनी यूज करेंगी कैश में। अब ये क्या लॉजिक है? पहले चोर दरवाजा तोड़कर घर घुस रहा था, अब चोर को चाबी दी गई है कि आओ मेरे घर में चोरी करके जाओ। पर चोरी तो हो रही है ना। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बोलो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लेकर आओगे, कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओगे, कि आप ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी फंडिंग में। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देश के सारे इंस्टीट्यूशन सरकार की ही मानते हैं, चाहे वो मीडिया हो या फिर इलेक्शन कमीशन। बस सुप्रीम कोर्ट ने गलती से टांग अड़ा दी तो ये प्लान खराब हो गया। और पब्लिक भी सरकार से सवाल नहीं करती, उनको लगता है कि वो घर के लाडले बेटी की तरह जिसकी सारी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। अगर उस पार्टी की आइडियोलॉजी आपसे मैच करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी कर दी, अब आपकी बारी है। ये मेरा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो था जहाँ बहुत रिसर्च लगी। अगर आप इधर तक आ गए और आपको अच्छी वैल्यू मिली तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना नीचे, उससे मेरा हौसला बना रहेगा। थैंक यू।